الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم। ये सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 6 और आयत नंबर 7 है। इसका तर्जुमा आपके सामने कल आया था कि काफिरों को आपका डराना या ना डराना बराबर है। कुछ कुफार ऐसे हैं कि जिनको दावत देना ना देना, अल्लाह ताला से डराना ना डराना बराबर है। ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर, वाला समीहिम और इनके कानों पर मोहर लगा दी है, वाला अबसारिहिम गिशावा और इनकी आँखों पर पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम और इनके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब है, सख्त अज़ाब है। ये बात याद रखिएगा कि बहुत से यानी कि गुनाहगार ऐसे हैं, बल्कि सारे, एक मुसलमान का ये अकीदा है कि जितने गुनाह हमसे होते हैं उनकी असल सज़ा तो आखिरत में मिलेगी, कोई सा भी गुनाह क्यों ना। कुछ गुनाह ऐसे हैं कि कभी कभी अल्लाह ताला उन गुनाहों की सज़ा, कुछ थोड़ी सी सज़ा दुनिया में भी दे देता है, और उन सज़ाओं में से एक बड़ी सज़ा ये भी है कि अल्लाह पाक बंदे से नेकी की तौफीक छीन लेता है और बुराई का एहसास उसके दिल से ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला उस एहसास को ख़त्म कर देते हैं, फिर वो अपनी नाफरमानी को नाफरमानी नहीं समझता, अपनी कोताही को, अपने गुनाह को, अपनी बुराई को बुराई नहीं समझता, बल्कि उसके पास एक बड़ी ज़ोरदार दलील होती है अपने उस गुनाह के ऊपर। वो ख़ुद को भी सेटिस्फेक्शन दे रहा होता है और दूसरा अगर कोई उससे पूछ ले तो उसको भी जवाब दे रहा है, ये मैं तो इसलिए कर रहा हूँ। आप देखें कि आजकल माहौल ऐसा बनता जा रहा है, बहुत सारे लोग बुराई क्यों इसलिए बुराई क्यों इख्तियार कर रहे हैं, बुराई के रास्ते में क्यों चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास रीज़न सिर्फ ये है कि मेरे साथ भी बुरा हुआ है, ये कोई लॉजिक है? मेरे साथ गलत हुआ है लिहाजा मैं भी अब गलत बन जाऊँगा। आप मुझे बताएं, क्या नापाक कपड़ा गटर के पानी से पाक हो जाएगा? नापाक कपड़ा हो, मैला कपड़ा हो और कीचड़ वाले पानी से हम उसको पाक करें, पाक हो जाएगा? तो बुराई अगर तुम्हारे साथ हुई है तो ये कौन सा जस्टिफिकेशन हुआ कि मैं इसीलिए बुरा हूँ क्योंकि मेरे साथ बुरा हुआ है? ये अल्लाह ताला कह रहा है ये सज़ा है कि हम बुराई का एहसास दिल से ख़त्म कर देते हैं और बंदा अपनी बुराई को अपने पास कोई ना कोई दलील देकर अपने उसको साफ़ कर रहा होता है। मैं तो ये इसलिए कर रहा हूँ, गलत है। कुरान की इस आयत पर गौर करने से पता चलता है, गौर व फिक्र करना चाहिए, सोचना चाहिए। बल्कि उलमा ने तो यहाँ तक फरमाया कि बाज़ मरतबा गुनाहों की सज़ा ये भी होती है कि बंदा जैसे ही कोई गुनाह करता है उस गुनाह की नहूसत से अल्लाह ताला उसको दूसरे गुनाह में मुलव्वस कर देते हैं। बाज़ मरतबा गुनाह दूसरे गुनाह को खींचने का सबब बन जाता है। ये भी अल्लाह ताला की सज़ा है कि एक गुनाह से फारिग हुआ नहीं कि दूसरे गुनाह में पड़ गया। और आप देखेंगे कि यही का यही मामला नेक लोगों के साथ भी होता है। नेकी का सबसे पहला इनाम जो अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है वो ये कि जैसे ही कोई बंदा नेकी करता है अल्लाह ताला फौरन उससे दूसरी नेकी करवाते हैं। गुनाह के ऊपर नकद सज़ा दूसरे गुनाह में मुलव्वस होना और नेकी का नकद इनाम दूसरी नेकी के अंदर मुलव्वस होना। इसलिए उलमा ने फरमाया कि अगर कोई गुनाह हो जाए, एक तो ऐसा हो नहीं सकता, कोई ये कह नहीं सकता मुझसे गुनाह नहीं होता, हो जाता है छोटा या बड़ा, लेकिन बंदे को जैसे ही एहसास हो कि मुझसे गुनाह हुआ है दो काम करे, और अगर कोशिश मुमकिन हो तो तीन काम करें। दो काम तो ये, सबसे पहला उस गुनाह पर तौबा करें और फौरन उस गुनाह के उस गुनाह का जो फिदिया है उसको ख़त्म करने के लिए एक नेकी करें फौरन, चाहे कम से कम दो रकात पढ़े, और अगर हो सके हाथ में अगर कुछ पैसा हो तो कुछ सदका भी करें। ये काम करें, ये तीन काम आज से हम इंशाल्लाह करेंगे ना, हम में से हर आदमी इस बात की अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए फौरन तौबा करेंगे और फौरन नेकी करेंगे और अगर ताकत हुई तो इंशाल्लाह सदका भी करेंगे। ये हमारे गुनाह को धो देगा इंशाल्लाह, और अगर वो गुनाह माफ़ नहीं भी हुआ तो वो नेकी उसका बदल बन जाएगी अल्लाह ताला के यहाँ। ये कोशिश करनी चाहिए। इसलिए उलमा ने फरमाया कि हदीस के अंदर भी आता है कि जब कोई बंदा गुनाह करता है
तो उसके दिल पर एक काला नुक्ता लगा दिया जाता है। इंसान का जो दिल है ना, दिल ये सफ़ेद कलर का होता है। आज साइंटिफिकली भी इस बात को प्रूफ किया गया है। आप देखिए यूट्यूब पर बहुत सी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जहाँ पर दिल का कलर दिखाया गया है। ये बात 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने बता दी थी। मोमिन का जो दिल होता है वो सफ़ेद होता है। जब कोई गुनाह करता है तो उस पर फरिश्ता एक काला नुक्ता लगा देता है। अब जैसे सफ़ेद कपड़ा होता है ना, सफ़ेद लिबास, उस पर अगर कोई एक काला नुक्ता लग जाए तो वो दूर से भी साफ नज़र आ रहा होता है और बंदू को एहसास होता है कि ये काला नुक्ता लगा हुआ है। तो सफ़ेद जिसका दिल होता है उससे अगर कोई गुनाह हो जाए और उसके दिल पर एक नुक्ता लग जाए, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा गुनाह नहीं हुए, बहुत ज़्यादा गुनाह उससे नहीं हुए, एक ही गुनाह हुआ है, तो उसको एहसास होता है। उसका ज़मीर अंदर से उसको एहसास दिलाता है, और अगर वो अपने उस ज़मीर की आवाज़ सुन ले और तौबा कर ले तो वो जो नुक्ता लगा हुआ है वो हटा दिया जाता है। और अगर वो अपने अंदर की आवाज़ को नज़रअंदाज कर दे और वो गुनाह पर गुनाह करता रहे, गुनाह पर गुनाह करता रहे, तो रिवायत के अंदर आता है जितने गुनाह करेगा हर गुनाह के बदले में एक नुक्ता उसके दिल पर लगा दिया जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि उसका दिल मुकम्मल सियाह हो जाएगा, मुकम्मल काला हो जाएगा। फिर हक बात उस पर असर नहीं करती, फिर उसे कोई कुछ भी उसके लम्बे से आप तीन तीन चार चार घंटे की तकरीरें करो, कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? क्योंकि दिल सियाह हो चुका, हक बात अंदर जाने के रास्ते बंद हो चुके। कल मैंने ये कहा था कि अभी तर्जुमे में भी आया कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, उनके कानों पर मोहर लगा दी और उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब कोई पूछे कि जब अल्लाह ही ने मोहर लगा दी, अल्लाह ही ने पर्दा डाल दिया, तो फिर वो गुनाह करके जहन्नम में क्यों जाएगा? उसकी क्या गलती है? वो तो हेल्पलेस है बेचारा। तो इसकी वजाहत यूँ की गई है कि दरअसल ये जो बंदा खुद गुनाह करता है, इसके गुनाहों की वजह से उसके दिल पर नुक्ते लगते हैं, और गुनाहों का जो जंग उसके दिल पर बैठा हुआ है उसकी वजह से उसका दिल काला हुआ है, अल्लाह ताला के करने से नहीं। अल्लाह ताला ने तो इंसान को खुद मुख्तार बनाया था, तू चाहे नेकी कर, तू चाहे बुराई का रास्ता इख्तियार कर, अल्लाह ताला ने पकड़ के तो नहीं चलाया बुराई के रास्ते पर। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी नस्बत अपनी तरफ कर ली कि उन्होंने इतने गुनाह किए कि उन गुनाहों का जंग उनके दिलों पर बैठ गया, और जब उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनकर बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, फिर हमने भी उनको उसी में पक्का कर दिया, हमने भी फिर उनको उसी पर ढीठ बना दिया कि ठीक है, अगर तुम ये रास्ता इख्तियार करते हो तो तुम ऐसे ही रहो। तो ये इन दोनों आयतों का थोड़ा सा खुलासा था। कल तर्जुमा आ गया था, एक ज़रा सा ये खुलासा बाकी रह गया था जो आपके सामने करना ज़रूरी था। इंशाल्लाह इससे आगे की बात कल आएगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।